अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। मित्रों, आज एक कहानी की चर्चा करते हैं। एक बार बहुत से ब्राह्मण गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी का बहाव तेज होने के कारण कोई भी पानी में उतरकर स्नान करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उनके पास कोई लोटा भी नहीं था जिससे वे किनारे पर बैठकर स्नान कर सकें। पास के घाट पर बैठे संत कबीर ने उनकी इस उलझन को समझ लिया। उन्होंने अपने लोटे को भली भांति माल धोकर अपने शिष्य को देते हुए कहा, यह लोटा उन ब्राह्मणों को दे आओ ताकि वे स्नान कर सकें। उनका शिष्य ब्राह्मणों के पास गया और बोला, पंडित जी आप इस लोटे से स्नान कर लीजिए। इस पर ब्राह्मण बोले, पहले यह बताओ कि तुम किस जाति के हो। यह सुनकर शिष्य बोला, पंडित जी यह लोटा संत कबीर का है। इतना सुनते ही सभी ब्राह्मण एक स्वर में बोले, उस जुलाहे का लोटा लेकर क्या हमें अपना धर्म भ्रष्ट करना है। शिष्य ने यह बात कबीर दास जी को जाकर बता दी। कबीर जी पुनः लोटा लेकर ब्राह्मण के पास गए और बोले, महाराज मैंने तो सुना है कि गंगा मैया बड़े से बड़े पापियों के पाप को धो देती है, तो फिर मेरा लोटा कैसे अपवित्र हो सकता है। सच्ची शुद्धता तो मन की पवित्रता से होती है, जिसे मनुष्य अपने व्यवहार और सद्गुणों के द्वारा ही अर्जित करता है। ब्राह्मणों ने चुपचाप मौन व्रत धारण करते हुए अपना मुनि चेता। अगले सप्ताह हम किसी अन्य चर्चा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।